दावते इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की नेमत है ये दावते इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्तिदाए इस्लाम में आपने इस्लाम कबूल किया, यानी आप इतना अर्ली मुसलमान हुए, सुभान अल्लाह। और आप अजीम हस्ती है, ये वो इनाम है जो कायनात में किसी को नहीं मिला। जी हाँ, हजरत आदम से लेकर आज तक पर कयामत तक, अब चूंकि अब तो किसी नबी ने नहीं आना, दो बेटियां निकामे आ रही, ही इज वन एंड ओनली हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, इसीलिए आपको जुन्नुरैन कहा जाता है। लेकिन एक बेटी के मिसाल के बाद दूसरी बेटी निकाह में देना, ये बता रहा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का हजरत उस्मान गनी पर एतमाद कैसा था। अल्लाह इस बरसती बारिश का वास्ता, अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश करना, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम की जीनत है ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी। साहबा किराम का मुकाबला क्या था? नेकियों में मैं आगे बढ़ जाऊं, हमारा मुकाबला क्या है? उसका घर कैसा है, मेरा घर वैसा है, जो कुछ है उसमें खुशी नहीं है, क्योंकि दूसरे के लिए जैसे साहबा किराम ने किया था, कैसे किया था? जब नेकियों में मुकाबला करते थे, बहुत बड़ा मॉलेट है घर देख ले, किसी की पाकिस्तान की कोठी के बारे में सुने तो टेंशन हो जाती है, कभी किसी ताज्जुब गुजारा देखकर फिक्र हुई? ببركه من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله دعوه الاسلام زندہ باد زندہ باد اسلام کی زینت ہے ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अमेरिका में दावत इस्लामी को खूब तरक्कियां अता फरमाए अल्लाह, और उरूज अता फरमा। नॉर्थ अमेरिका में भी दावत इस्लामी के कामों को खूब आसानियां अता फरमा, जो काफिले जाएं उनके लिए राहें खोल दे। जर्मनी के डिसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए वापसी है, अल्लाह की रहमत से कई पाकिस्तान के शहरों का सफ़र और फिर वहीं से यूरोप का सफ़र रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जब मैं कराची से रवाना हुआ तो तलागंज में हफ्तावार सुन्नत पर इज्तिमा किया, उसके बाद अटक में हाज़िरी हुई, फिर इस्लामाबाद फैज़ान मदीना, और वहीं इस्लामाबाद से फिर तुर्किया कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद हॉलैंड के मदनी मरकज़ के इफ्तिताह के लिए, और अब हॉलैंड के करीबी मुल्क जर्मनी के एक एयरपोर्ट से वापसी है। अल्लाह करीम इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो सफ़र में गलतियाँ हुई अपने कर्म से माफ़ फरमाए, जो अच्छे काम हुए रब करीम उसे कबूल फरमाए, और ये सफ़र भी जो अगला है पाकिस्तान का आसान फरमाए।